मुकेश जी, आप जो ये 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए निकले हैं, जलाभिषेक के लिए निकले हैं, तो आप सबसे पहले तो ये बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे, कब तक ये जाएंगे? मेरा नाम मुकेश कुमार है, मेरा गांव नांगल ठाकरान है जो दिल्ली में पड़ता है। मैं जो गंगोत्री से 17 सितंबर 2024 को मैंने यात्रा शुरू की थी, जो मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा है पैदल, और ये करीब 11,000 किलोमीटर की है और करीब मेरा 18 महीने इसमें लगेंगे। और मेरा पहला जो ज्योतिर्लिंग होगा वो श्री सोमनाथ जी होगा और जो लास्ट होगा वो केदारनाथ जी होगा। आप जो ये 18 महीने की यात्रा करने जा रहे हैं, इसमें अभी तक जो आप आए हैं तो आज ही आप कनीना के श्याम मंदिर में रुके हुए हैं। हाँ जी। यहाँ पे किस प्रकार की सुविधाएं श्याम मंदिर के प्रशासकों ने, आयोजकों ने किस प्रकार की सुविधाएं आपको दे रखी हैं और आपको यहाँ का कनीना के शिव मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनका किस प्रकार का बिहेवियर लगा? देखिए, मैं पहले भी एक बार दिल्ली से अपने गांव से सोमनाथ जी की पैदल यात्रा की थी मैंने, और मैं तब भी यहीं पे रुका था। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पुजारी जी, यहाँ की बहुत अच्छी मुझे सुविधाएं लगी, बड़ी इज्जत सम्मान मिला, पहले भी मिला और आज भी मिला। पूरी यहाँ सभा इनकी आई थी, मुझसे सब लोग मिले, मुझे सम्मान दिया, इज्जत दी, हर चीज की सुविधा मुझे उपलब्ध है यहाँ पे। अभी आप जब ये पैदल यात्रा कर रहे हैं पद यात्रा में, तो आपको किस प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ रहा है या लोग आपको सहयोग कर रहे हैं? नहीं नहीं, बहुत सी जगह दिक्कतें आ रही हैं, कई जगह तो बहुत से हिंदू धर्म में अपने हैं कुछ बच्चे, उनको यही नहीं पता 12 ज्योतिर्लिंग है क्या, कई जगह नहीं पता, तो उनको बताते हुए आ रहे हैं कि भैया ये यात्रा है हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के, तो कई जगह रुकने की व्यवस्था नहीं मिली, तो कई चीज दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन भगवान सब अच्छा कर रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत होने के बाद फिर अच्छा भी मिल जाता है कई जगह। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको सभी, आपके जो मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को शंकर भगवान जी आपकी सभी उन बाधाओं को दूर करें, और सबसे जो आपका जो एक मिशन है, ये जो आप 12 ज्योतिर्लिंग कर रहे हैं, मिशन के बारे में कुछ बता पाएंगे थोड़ा? देखिए, मैं साल में 2 बार कांवड़ यात्रा करता था गंगोत्री से अपने गांव नांगल ठाकरान के लिए, और अब मन में आया कि मैं अपना जलाभिषेक क्यों ना 12 ज्योतिर्लिंग पे ही कर लिया जाए, और भगवान ने मन में लाई और मैंने जल लेके मैं निकल लिया, और सब भगवान की कृपा है। और मैं तो ये चाहता हूँ सब जाने अपना सनातन धर्म, आगे बढ़े, अपनी संस्कृति को जाने, और सबसे विनती करूँगा जितने भाई हैं जो भी हैं कि नशे से दूर रहें। मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, आप लोग भी नशे से दूर रहिए और भगवान सबका भला करें। जय भोले बाबा। जिस प्रकार से आपने नशे से लोगों को दूर रहने के लिए प्रेरित किया, ये एक बहुत काबिले तारीफ बात है, और दूसरे सबका भला चाह रहे हैं, आप अपना भला ना चाहते हुए भी सबका भला चाह रहे हैं, ये भी एक सबसे, मैं मतलब भक्तों से ये बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार मुकेश जी अपनी जो इस यात्रा के लिए सभी का भला चाह रहे हैं, लोगों को भी एक दूसरे का परस्पर भला करना चाहिए। और मेरा जो अंतिम जो प्रश्न है वो ये है मुकेश जी कि आप जा रहे हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जो आपके रास्ते में जो इस मार्ग में आते हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि मुकेश जी जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे निकले हुए हैं, उनका सहयोग करें, उनकी हर संभव मदद करें, और जो मैं जिन 12 ज्योतिर्लिंग पे जा रहे हैं उनके आयोजकों से भी ये कहूँगा कि इनको दर्शन करवाने के लिए, जलाभिषेक करवाने के लिए विशेष अनुमति दी जाए और इनको हर सुविधाएं जो वहाँ पे मुहैया हो सकती हैं वो दी जाएं। और मैं श्याम मंदिर की तरफ से भी एक जो कमेटी के जो पुजारी जी भी हैं, आयोजक जी हैं, तो मैं उनसे, उनकी तरफ से भी मैं सभी आगे जो ज्योतिर्लिंग में जा रहे हैं उनसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इनकी ज्योतिर्लिंग, क्योंकि मुझे, मैं
मैंने देखा है कि वहाँ पे कई बार दर्शन तो करवा देते हैं लेकिन जलाभिषेक नहीं करवाते हैं, तो कम से कम इनकी जो मनोकामनाएं हैं वो कम से कम वो वहाँ की जो ज्योतिर्लिंग जो प्रशासक है वो इनकी मनोकामनाएं इनसे जल चढ़वाए, इनकी मनोकामना पूरी करें। और आपसे अंतिम सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर जब ये कनीना में आप रुके हैं और जो कनीना के आयोजकों ने आपको जो मान सम्मान जो दिया है उसका किस प्रकार से आभार प्रकट करेंगे? ये इनका आभार मैं करी किस तरह से करूं ये समझ में नहीं आ रहा, कि उन्होंने बहुत इज्जत और सम्मान बहुत ज़्यादा दिया है जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता पाएंगे कि आपको मान सम्मान देने में वाले कौन कौन थे? नाम जानते हैं हम? नहीं नहीं, ये पुजारी जी हैं हमारे और प्रधान जी, ये पीछे सब लोग हैं, इन्होंने सब ने ये बड़ा सम्मान दिया। ये योगेश गुप्ता जी हैं। हाँ देखिए, नाम तो नहीं जानता मैं लेकिन बाकी सबको वैसे चेहरे से पहचानता हूँ। जैसे पिछली बार भी इन्होंने बड़ी मदद की थी, बड़ा मान सम्मान दिया था, बड़ी इज्जत, यानी बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, और इसीलिए मैं आज भी यहीं पे आया हूँ। श्याम मंदिर में बड़ी इज्जत और सम्मान मिलता है यहाँ पे। मैं अपने हरियाणा अपडेट न्यूज की तरफ से आपकी मंगलमय यात्रा हो इसके लिए शुभकामनाएं। आप लोगों का भी, सबका भगवान सबका भला करे। धन्यवाद। जय भोले बाबा, हर हर महादेव। Thank you.